हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, लाइनक्स लेक्चर सीरीज़ के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में आपको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जैसे कि हम इसमें कवर करेंगे लाइनक्स इंस्टॉलेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी और पार्टीशनिंग, पार्ट कितने तरीके के पार्टीशंस होते हैं और उसको कैसे पार्टीशनिंग की जाती है इंस्टॉलेशन के समय। सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ लाइनक्स इंस्टॉलेशन। लाइनक्स इंस्टॉलेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम ए बूटेबल पेन ड्राइव और लाइनक्स सीडी डीवीडी। आप लाइनक्स को एक बूटेबल पेन ड्राइव से भी स्टार्ट कर सकते हो इंस्टॉलेशन करना, या फिर लाइनक्स की सीडी डीवीडी से। दो ऑप्शंस हैं जिसे आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो अगर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं डायरेक्टली। डिफाइन द सोर्स ऑफ द लाइनक्स फाइल्स एंड द टारगेट पार्टीशन। उसके बाद जब आप सीडी डीवीडी या बूटेबल पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसमें क्या होगा, डिफाइन द सोर्स ऑफ द लाइनक्स फाइल्स एंड टारगेट पार्टीशन। तो लाइनक्स फाइल्स के लिए सोर्स डिफाइन करना होगा एंड टारगेट पार्टीशन जिस पार्टीशन में इंस्टॉल करना है उसको। टारगेट हार्ड डिस्क पार्टीशन इज द लोकेशन ऑन द सिस्टम्स हार्ड डिस्क वेयर लाइनक्स विल बी इंस्टॉल्ड। टारगेट हार्ड डिस्क पार्टीशन वो पार्टीशन है हार्ड डिस्क का जिसमें लाइनक्स इंस्टॉल किया जाएगा। डिफाइन व्हाट सॉफ्टवेयर टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर। किस कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आप इंस्टॉल करेंगे एंड कॉन्फ़िगर करेंगे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूशंस में डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग या फिर डीसेलेक्ट कर सकते हैं। आंसर क्वेश्चंस पोज्ड बाई द इंस्टॉलेशन प्रोग्राम्स एंड टाइम टू टाइम इंस्टॉलेशन जब रन होता है तो डिफरेंट क्वेश्चंस अराइज होते हैं जिसका आंसर आपको सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इंस्टॉलेशन सोर्स ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। तो मोस्ट कॉमन इंस्टॉलेशन सोर्सेज आर सी डी रोम, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव और नेटवर्क इंस्टॉलेशन। तो आप सी डी रोम है इंस्टॉलेशन का सोर्स, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव, या फिर नेटवर्क से डायरेक्ट नेटवर्क इंस्टॉलेशन। ऑप्शंस फॉर स्टार्टिंग द इंस्टॉलेशन। अब स्टार्टिंग के समय क्या ऑप्शंस होते हैं। अ बूट डिस्क इज अ पेन ड्राइव दैट कैन स्टार्ट अप योर कंप्यूटर एंड इनिशलाइज द इंस्टॉलेशन प्रोग्राम। तो बूट डिस्क अवेलेबल है अगर, जैसे कि पेन ड्राइव बूटिंग के लिए, बूटेबल पेन ड्राइव जो कि कंप्यूटर दैट कैन स्टार्ट अप योर कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकती है एंड इनिशलाइज द इंस्टॉलेशन प्रोग्राम। कंप्यूटर स्टार्टिंग के टाइम पे जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे उस वक्त इंस्टॉलेशन प्रोग्राम को इनिशलाइज करेंगे। इसी तरीके से बूटेबल सी डी रोम ड्राइव इज अ ड्राइव दैट कैन लॉन्च एन ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली फ्रॉम ए सी डी रोम। तो ए सी डी रोम से डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया जा सकता है। अ डिस्क इमेज इज अ सिंगल फाइल दैट कंटेन्स एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए बूटेबल डिस्क। तो डिस्क इमेज क्या होती है, एक सिंगल फाइल होती है, इमेज फाइल होती है जिसे डॉट आई एस ओ फाइल भी कहते हैं, जो कि एग्जैक्ट कॉपी होती है बूटेबल डिस्क की। इसमें कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम एक फाइल के अंदर होता है। द फर्स्ट लाइनक्स सी डी रोम कंटेन्स अ डिस्क इमेज ऑफ ए बूटेबल डिस्क। तो सी डी रोम सी डी के केस में जो फर्स्ट लाइनक्स सी डी रोम क्या होता है, उस पर बूटेबल डिस्क होती है इमेज के फॉर्म में। तो ये तीन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं स्टार्टिंग इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने से पहले। जो आई एस ओ फाइल होती है वो वर्चुअल मशीन में अगर आप लाइनक्स इंस्टॉल कर रहे हैं उस, या फिर पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए यूज़ की जाती है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस। द इंस्टॉलेशन प्रोसेस इंक्लूड सेवरल स्टेप्स। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में बहुत से स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आंसरिंग इनिशियल क्वेश्चन। सबसे पहले आप इनिशियल जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर करेंगे, जैसे कि चूज़ अ कीबोर्ड लेआउट, एक कीबोर्ड लेआउट कौन सी आपको सेलेक्ट करनी है, और लैंग्वेज ऑफ इंस्टॉलेशन कौन सी लैंग्वेज आप प्रेफर करेंगे इंस्टॉलेशन के टाइम पे। उसके बाद आंसर अबाउट माउस, टाइम जोन, वीडियो कार्ड एंड अदर डिटेल्स। इन सभी के आप आंसर देंगे अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। देन प्रिपेयरिंग हार्ड डिस्क पार्टीशन, हार्ड डिस्क पार्टीशन प्रिपेयर किए जाते हैं। देन चूजिंग इंस्टॉलेशन ऑप्शन, देन इंस्टॉलेशन के ऑप्शन चूज किए जाते हैं एंड कन्फिगरिंग द बूट मैनेजर। लास्ट में बूट मैनेजर कन्फिगर किया जाता है। तो ये हैं स्टेप्स ऑफ इंस्टॉलेशन प्रोसेस, जिससे वन बाई वन इंस्टॉलेशन के टाइम पे आप को फॉलो करेंगे।
प्रिपेयरिंग हार्ड डिस्क पार्टीशन, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन था आपने देखा आंसरिंग इनिशियल क्वेश्चन, इनिशियल क्वेश्चन आपके आंसर करने के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिपेयरिंग हार्ड डिस्क पार्टीशन. हार्ड डिस्क पार्टीशन, द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लाइनक्स कैन बी अरेंज ऑन डिफरेंट हार्ड डिस्क पार्टीशन टू मेक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टास्क ईजियर. यू कैन कन्फिगर पार्टीशन विद इन लाइनक्स इंस्टॉलेशन प्रोग्राम. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए. लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग पार्टीशंस में अरेंज किए जा सकते हैं, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन करना इजी होता है. आप एक सिंगल पार्टीशन में भी पूरा सिस्टम, पूरा फाइल सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, पूरा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन टास्क बहुत ईजी हो जाती है. तो इसको कन्फिगर करने का, पार्टीशंस को कन्फिगर करने का ऑप्शन लाइनक्स इंस्टॉलेशन के टाइम पे आता है, जब आप लाइनक्स को का इंस्टॉलेशन प्रोग्राम रन करते हैं. सेटअप बोथ अ स्वैप पार्टीशन एंड ए डाटा पार्टीशन, जैसे कि ext2 और ext3 फाइल सिस्टम फॉर्मेट. सेकंड है, पार्टीशनिंग के टाइम पे आपको मिनिमम आपको दो पार्टीशंस क्रिएट करने होते हैं, जैसे कि एक डेटा पार्टीशन ext2 और ext3 या ext4 फाइल सिस्टम फॉर्मेट से, फाइल सिस्टम से वो फॉर्मेट होगा. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि कंपलसरी होता है लाइनक्स इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट करना, वो कहलाता है स्वैप पार्टीशन. स्वैप पार्टीशन बेसिकली क्या होता है, एक वर्चुअल रैम आप इसे कह सकते हैं, या कि वर्चुअल मेमोरी क्रिएट की जाती है. एंड जो स्वैप पार्टीशन होता है इसका साइज हमेशा रैम से डबल होता है, यानी जितनी रैम आपके पास अवेलेबल है उसका बेसिकली ट्वाइस ऑफ रैम आप लेकर चलते हैं. उसमें भी अगर फॉर एग्जांपल इन जनरल 4 GB रैम अवेलेबल है सिस्टम में, तो यह रैम का ट्वाइस होगा, यानी कि 8 GB का आप स्वैप पार्टीशन क्रिएट करेंगे. और अगर सिस्टम में 8 GB रैम है, देन आप इसका साइज रिड्यूस कर सकते हैं 1.5 × रैम करके, यानी कि 8 GB इसका डेढ़ गुना. और अगर 8 GB से ज़्यादा रैम अवेलेबल है तो इक्वल साइज़ का स्वैप पार्टीशन क्रिएट किया जा सकता है. तो उसके बाद फिर टू कॉन्फ़िगर पार्टीशंस यूज़ वन ऑफ द ऑप्शंस. ये ऑप्शन है पार्टीशंस को कॉन्फ़िगर करने के लिए. एडिट द पार्टीशन टेबल, एक पार्टीशन टेबल ओपन होती है जिसको एडिट करेंगे. यूज़ ए ग्राफिकल इंटरफेस, जिसके लिए आप ग्राफिकल इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हैं. और अगर कमांड लाइन से करना है तो एफ डिस्क यूटिलिटी, एफ डिस्क कमांड होती है जिससे आप पार्टीशन टेबल को एडिट कर सकते हैं. यानी कि पार्टीशन टेबल का मतलब होता है, पार्टीशन टेबल को एडिट करने के बाद उसमें आप पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, और देन उसको फॉर्मेट कर सकते हैं डिफरेंट पार्टीशंस को फाइल सिस्टम से, सिलेक्टेड फाइल सिस्टम से. हार्ड डिस्क स्पेसिफिकेशंस, द हार्ड डिस्क इन लाइनक्स आर आइडेंटिफाइड बाई डिवाइस नेम्स. जो लाइनक्स में जो हार्ड डिस्क होती है वो डिवाइस नेम से आइडेंटिफाई की जाती है, जैसे कि विंडोज़ के केस में ड्राइव लेटर से आइडेंटिफाई करते थे, जैसे कि सी ड्राइव, डी ड्राइव, यहाँ से डिवाइस नेम्स आइडेंटिफाई होगी. द फर्स्ट हार्ड डिस्क दैट यूजेस IDE इंटरफेस इज आइडेंटिफाइड एज /dev/HDA. तो अगर IDE इंटरफेस आप यूज़ कर रहे हैं हार्ड डिस्क में के केस में, तो जो फर्स्ट हार्ड डिस्क होगी वो /dev/HDA होगी, यानी कि फर्स्ट पार्टीशन ऑफ हार्ड डिस्क. और उसके बाद अगर आप सेकंड पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो वो /dev/HDB कहलाएगा. द फर्स्ट हार्ड डिस्क दैट यूजेस अ स्केजी इंटरफेस इज आइडेंटिफाइड एज /dev/HDA. अगर स्केजी इंटरफेस यूज कर रहे हैं तो उस केस में हार्ड डिस्क आपकी डिनोट होगी /dev/HDA से, एस फॉर स्केजी. तो डिसाइडिंग ऑन माउंट पॉइंट्स, अब माउंट पॉइंट्स डिसाइड करने होंगे उसके बाद करने होते हैं. लाइनक्स डिफाइंस अ माउंट पॉइंट फॉर डिफरेंट फाइल सिस्टम्स और स्टोरेज डिवाइसेस. तो डिफरेंट फाइल सिस्टम्स और स्टोरेज डिवाइसेस के लिए माउंट पॉइंट डिफाइन किए जाते हैं लाइनक्स में. अ माउंट पॉइंट इज अ सब डायरेक्टरी थ्रू विच अ सेट ऑफ डेटा इज एक्सेस्ड. तो माउंट पॉइंट बेसिकली क्या होता है, एक सब डायरेक्टरी होती है जिससे कि सेट ऑफ डेटा को एक्सेस किया जाता है. द बिगिनिंग पॉइंट फॉर एवरी लाइनक्स फाइल सिस्टम इज कॉल्ड द रूट डायरेक्टरी. और जो बिगिनिंग पॉइंट होता है सभी लाइनक्स फाइल सिस्टम्स में, वो रूट डायरेक्टरी जो कि स्लैश होता है, जो मैं अपने लास्ट लेक्चर में भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. द
Linux does not use drive letters. Linux के केस में ड्राइव लेटर्स जैसे कि सी डी ई एफ जो कि विंडोज़ में यूज़ होते हैं वो यूज़ नहीं किए जाते हैं. यहाँ से उसकी जगह माउंट पॉइंट डिफाइन किए जाते हैं. तो टिपिकल सब डायरेक्टरीज एंड माउंट पॉइंट्स इस टेबल में आप देख सकते हैं दिए हुए हैं स्लैश एम एन टी स्लैश फ्लॉपी. स्लैश एम एन टी जो होता है वो माउंट पॉइंट होता है एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए. जो भी एक्सटर्नल डिवाइस अगर आप एक्सटर्नल मीडिया बेसिकली कनेक्ट करते हैं तो स्लैश एम एन टी के अंदर माउंट होती है. तो अगर आपने फ्लॉपी ड्राइव कनेक्ट करी है तो स्लैश एम एन टी स्लैश फ्लॉपी उसका माउंट पॉइंट होगा. अगर आप पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं तो स्लैश एम एन टी स्लैश जो भी पेन ड्राइव का नाम होगा वो आप यहाँ अपेयर हो जाएगा. और सिंपल स्लैश क्या होता है, मेन लाइनक्स हार्ड डिस्क पार्टीशन होता है. स्लैश ऑप्ट होता है सेकेंडरी लाइनक्स हार्ड डिस्क पार्टीशन कंटेनिंग एप्लीकेशंस. ये सेकेंडरी लाइनक्स हार्ड डिस्क पार्टीशन होगा जिसमें कि एप्लीकेशंस रहती हैं. स्लैश एम एन टी स्लैश सी डी रोम, सी डी रोम के ड्राइव में माउंट पॉइंट बनता है. एंड स्लैश रिमोट अंडर स्कोर होम होता है नेटवर्क सर्वर होम डायरेक्टरी. तो ये थे बेसिक माउंट पॉइंट्स सब डायरेक्टरीज. अब एग्जांपल माउंट पॉइंट्स फॉर मल्टीपल पार्टीशन इंस्टॉलेशन. अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल पार्टीशन स्कीम आप यूज़ कर रहे हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे, देन उसके लिए जो माउंट पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्लैश बूट, आपने एक माउंट पॉइंट क्रिएट किया तो इस केस में स्लैश बूट किसके लिए होता है, बूट लोडर के लिए. बूटिंग रिलेटेड फाइल्स यहाँ स्टोर करें होंगी तो ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट हार्ड डिस्क में. स्लैश डेव स्लैश एच डी ए फर्स्ट पार्टीशन, देन स्लैश नेक्स्ट पार्टीशन हो गया स्लैश रूट, यहाँ की एंटायर फाइल सिस्टम होता है जिसके अंदर रूट फाइल सिस्टम ये हो. इसके लिए जो माउंट पॉइंट क्रिएट होगा वो होगा स्लैश डेव स्लैश एच डी ए टू. देन स्लैश होम के लिए आप न्यू पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, वो कहलाएगा स्लैश डेव स्लैश एच डी बी वन. स्लैश यू एस आर कहलाता है स्लैश एच डेव स्लैश एच डी बी टू. एच डी बी थ्री भी आप क्रिएट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्लैश वेयर क्रिएट करते हैं. हम देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में कैसे किया जाता है. तो इससे पहले पार्टीशंस को समझते हैं कि पार्टीशंस कितने तरीके के होते हैं. तो पार्टीशंस बेसिकली दो कैटेगरी में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है डिफॉल्ट पार्टीशनिंग और दूसरा होता है कस्टम पार्टीशनिंग. तो अगर आप डिफॉल्ट पार्टीशनिंग ऑप्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन तो उसमें आपको अलग अलग पार्टीशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं. देन इंस्टॉलेशन के टाइम पे ऑटोमेटिकली पार्टीशंस क्रिएट हो जाते हैं जिसमें कि एक सिंगल पार्टीशन होता है और एक स्वैप पार्टीशन क्रिएट होता है. सिंगल पार्टीशन में एक स्लैश के अंदर और पूरा फाइल सिस्टम लाई करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता, फेवरेबल नहीं होता. बेटर होगा कि आप कस्टम पार्टीशनिंग सेलेक्ट करें और अकॉर्डिंग टू योर नीड डिफरेंट पार्टीशंस क्रिएट करें. तो पार्टीशन लेआउट नीड्स टू बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन बिकॉज लिनक्स सिस्टम्स हैंडल पार्टीशंस बाय माउंटिंग देम एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन द फाइल सिस्टम. तो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन आप पार्टीशनिंग लेआउट क्रिएट करेंगे, डिसाइड करेंगे कि आपको कितने पार्टीशंस बनाने हैं और किस किस पर्पज़ के लिए पार्टीशन क्रिएट करना है. क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा कंप्लीट फाइल सिस्टम होता है एंड इसमें विंडोज़ की तरह नहीं होता है, तो एंटायर फाइल सिस्टम स्लैश रूट के अंदर लाई करता है. तो टॉप मोस्ट पे आपका स्लैश होगा स्लैश रूट फॉर एग्जांपल. उसके लिए आप पर्टिकुलर एक पार्टीशन बना देंगे जिसमें पूरा फाइल सिस्टम लाई करेगा. एंड देन स्लैश बूट के लिए आप दूसरा पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं स्लैश बूट फॉर बूटिंग रिलेटेड बूट लोडर जहाँ से होगा. देन स्लैश स्वैप, स्वैप पार्टीशन बनाना कंपलसरी होता है लिनक्स के केस में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वर्चुअल मेमोरी की तरह वर्क करता है जिससे कि स्पीड फास्ट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में. एंड स्लैश होम यूजर्स से रिलेटेड जितने भी यूज़र क्रिएट किए जाते हैं वो सब स्लैश होम या यूज़र रिलेटेड फाइल स्लैश होम के अंदर रहती हैं. तो यह भी इम्पॉर्टेंट है अगर आप डिफ़ॉल्ट पार्टीशनिंग स्कीम यूज़ करते हैं एंड मोर देन वन यूज़र्स होते होंगे एंड डेटा उनका माइट भी ज़्यादा हो सकता है, तो उस केस में स्लैश होम का डिफ़ॉल्ट जो स्पेस ऑटोमेटिकली अलॉट होगा वो कम रह सकता है. तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग स्लैश होम पार्टीशन को अकॉर्डिंग टू योर नीड क्रिएट कर सकते हैं. स्लैश वेयर पार्टीशन इनकेस अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एक वेब सर्वर की तरीके से कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो स्लैश वेयर आपको अलग से क्रिएट करना होगा, क्योंकि वेबसाइट्स रिलेटेड फाइल्स जितनी भी होती हैं वो स्लैश वेयर स्लैश www स्लैश html के अंदर स्टोर की जाती हैं. तो उस केस में इस पर्टिकुलर
अमाउंट पॉइंट को ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। एंड स्लैश टेम्प होता है टेम्प्रेरी फाइल्स स्टोर करने के लिए, अगर आप इसको अलग से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्पेस देते हैं हार्ड डिस्क में तो अच्छा रहता है। तो ये एक बेटर स्कीम है पार्टीशनिंग की, जिसमें आप मिनिमम 5-6 पार्टीशंस आप क्रिएट कर सकते हैं एक पूरे सक्सेसफुल सिस्टम टू रन। तो अब उसके बाद देखते हैं कि पार्टीशंस कितने तरीके के होते हैं। पार्टीशंस को हम दो टाइप के होते हैं, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी पार्टीशन और दूसरा होता है एक्सटेंडेड पार्टीशन। तो प्राइमरी पार्टीशन बेसिकली विंडोज़ के केस में प्राइमरी पार्टीशंस होते हैं, एंड लाइनक्स के केस में आप एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर एक हार्ड डिस्क को सिर्फ प्राइमरी पार्टीशंस में डिवाइड करें हम, तो मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। मैक्सिमम आप हार्ड डिस्क को 4 पार्टीशंस में, प्राइमरी पार्टीशंस में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक्सटेंडेड में देर इज़ नो लिमिट। आप एक ऐसा आपके पार्टीशनिंग स्कीम में टेबल में आप ये कर सकते हैं कि अगर आप डुअल बूटिंग कर रहे हैं तो विंडोज़ के लिए बेसिकली आपको दो पार्टीशन, दो प्राइमरी पार्टीशन की ज़रूरत होती है। तो आपने विंडोज़ इंस्टॉल किया पहले, तो उसमें दो प्राइमरी पार्टीशन आपको बनाने होंगे। एक प्राइमरी पार्टीशन जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लाई करेगा, दूसरा उसकी रिकवरी के लिए होगा या डेटा के लिए होगा। देन एक थर्ड प्राइमरी पार्टीशन जो कि कंपलसरी बनाना होता है वो होता है स्वैप पार्टीशन। उसके बाद फोर्थ आपका, अगर एक ही पार्टीशन बनाते हैं प्राइमरी लाइनक्स के लिए तो सिंगल पार्टीशन बचता है। तो उसके बजाय आप एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, और एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर आप मोर देन वन लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि लॉजिकल टाइप आप सेलेक्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ पार्टीशनिंग। और जितने भी आपको पार्टीशन बनाने हैं, स्लैश स्लैश बूट स्लैश होम स्लैश वेयर स्लैश टेम्प, ये सब लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट होते चले जाएंगे। पार्टीशंस इन लाइनक्स हार्ड डिस्क, लेफ्ट में जो इमेज दी गई है इसमें आप देख सकते हैं लाइनक्स हार्ड डिस्क जो कि SDA यहाँ से डिनोट दिया दी है। तो इसको 4 पार्टीशंस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले स्लैश पार्टीशन जो कि SDA1 क्रिएट हुआ, उसके बाद होम पार्टीशन स्लैश होम जो कि SDA2, देन वेयर पार्टीशन SDA3 एंड स्वैप पार्टीशन SDA4। तो ये थी कम पूरी जानकारी कैसे पार्टीशंस, कितने तरीके के पार्टीशंस होते हैं, पार्टीशनिंग स्कीम्स कितनी होती हैं, आप कौन कौन सा पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, और कौन सा पार्टीशन प्राइमरी होना चाहिए और कौन सा पार्टीशन आपका एक्सटेंडेड या लॉजिकल आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद चूजिंग व्हाट टू इंस्टॉल, पार्टीशनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है पार्टीशन टेबल से। देन आपको सेलेक्ट करना है कि आपको क्या इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन प्रोग्राम प्रोवाइड्स मल्टीपल इंस्टॉलेशन टाइप्स, जैसे कि एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन आपको सर्वर्स इंस्टॉल करने हैं या ग्राफिकल वर्क स्टेशन इंस्टॉल करना है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टेशन इंस्टॉल करना है। ये सभी ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसमें से आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। द इंस्टॉलेशन ऑप्शन डिफाइन एप्लीकेशन टू बी इंस्टॉल्ड विद द बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम। सभी जो इंस्टॉलेशन ऑप्शन डिफाइन करते हैं एप्लीकेशन जो कि बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल की जाती हैं। देन इंस्टॉलेशन के बाद यूजर अकाउंट्स क्रिएट करने होते हैं। तो यूजर अकाउंट्स लाइनक्स के केस में द रूट अकाउंट इज द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट। यहाँ से जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन अकाउंट होता है वो रूट अकाउंट कहलाता है। द रूट अकाउंट इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, की इंस्टॉलेशन के टाइम पे ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। टू क्रिएट अ रेगुलर यूजर अकाउंट चूज अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। और रूट अकाउंट के साथ साथ आपको अगर रेगुलर यूजर अकाउंट बनाना है, यूजर अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड देने का ऑप्शन अवेलेबल होता है, जो कि आप एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन भी दे सकते हैं और बाद में भी क्रिएट किया जा सकता है। नाउ कन्फिगरिंग द बूट मैनेजर, तो ड्यूरिंग द लाइनक्स इंस्टॉलेशन यू हैव द ऑप्शन ऑफ इंस्टॉलिंग द लाइनक्स बूट मैनेजर इन वन ऑफ सेवरल लोकेशन। तो लाइनक्स बूट मैनेजर को वन और सेवरल लोकेशंस, किस किस लोकेशन पे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका ऑप्शन होता है द मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR में इंस्टॉल करना है या बूट सेक्टर ऑफ द एक्टिव पार्टीशन। ये बेसिकली उस केस में है जब आप डुअल बूटिंग करते हैं। तो डुअल बूटिंग के केस में क्या होता है कि अगर विंडोज़ के केस में, अगर विंडोज़ के साथ आपको लाइनक्स इंस्टॉल करना है, तो विंडोज़ को हमेशा फर्स्ट पार्टीशन यानी कि MBR में उसका कर्नल इंस्टॉल होता है, हार्ड डिस्क के फर्स्ट पार्टीशन का फर्स्ट सेक्टर जो कि मास्टर बूट रिकॉर्ड कहलाता है। उसके बाद फिर
अगर जब आप लाइनक्स इंस्टॉल करते हैं तो अगर आप सेम सेक्टर सेलेक्ट करेंगे ग्रब जो कि लाइनक्स का बूट लोडर होता है उसको इंस्टॉल करने के लिए, तो वो ओवरराइट कर जाता है विंडोज़ के बूट लोडर पर। लेकिन उस इसलिए लाइनक्स की ब्यूटी है कि आप इसको इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हार्ड डिस्क के फर्स्ट पार्टीशन के फर्स्ट सेक्टर में ही इंस्टॉल हो, उसको आप किसी दूसरे पार्टीशन में भी या किसी दूसरे सेक्टर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि बूट सेक्टर ऑफ द एक्टिव पार्टीशन यहाँ से डिनोट किया गया है। तो द सिस्टम वोंट बूट, आपने पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर लिया और फिर भी आपका सिस्टम अगर बूट नहीं करता है तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, कारण वो हम एक बार देख लेते हैं। इफ़ द लाइनक्स इंस्टॉलेशन प्रोग्राम डज नॉट स्टार्ट देर आर लाइकली कॉजेज, अगर इंस्टॉलेशन प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता है तो उसके जो कॉजेज हो सकते हैं वो हैं द बूट डिस्क इज़ क्रिएटेड इनकरेक्टली, तो या तो आपकी जो बूट डिस्क है वो सही नहीं है, सही से क्रिएट नहीं हुई है, द बायोस इज़ कन्फिगर्ड इनकरेक्टली, बायोस इनकरेक्टली कन्फिगर है, द इंस्टॉलेशन प्रोग्राम इज़ नॉट एबल टू डिटेक्ट अ वीडियो कार्ड, और इंस्टॉलेशन प्रोग्राम वीडियो कार्ड डिटेक्ट करने के नहीं कर पा रहा है। एंड आफ्टर लाइनक्स इज इंस्टॉल्ड, अगर लाइनक्स इंस्टॉल हो जाता है एंड द सिस्टम वॉन्ट बूट और सिस्टम बूट नहीं होता है तो देयर मे बी द कॉजेज, वन बूट मैनेजर इज इंस्टॉल्ड ऑन द एक्टिव पार्टीशन बट अनदर बूट मैनेजर इंस्टॉल्ड ऑन द MBR, तो उसके उस केस में ये हो सकता है प्रॉब्लम कि अगर इंस्टॉल हो गया लेकिन बूट नहीं हो रहा, तो मतलब आपका जो बूट मैनेजर है वो आपके एक्टिव पार्टीशन में इंस्टॉल है और दूसरा बूट मैनेजर MBR में इंस्टॉल हो गया हो जाता है। द सिस्टम डज नॉट आइडेंटिफाई हार्डवेयर, या फिर सिस्टम हार्डवेयर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। अ बूट पैरामीटर इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हार्डवेयर दैट यू सप्लाई टू द बूट मैनेजर, बूट पैरामीटर क्या होता है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन है जो कि हार्डवेयर के बारे में जो कि आप बूट मैनेजर को सप्लाई करते हैं। तो फाइनली देखते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, जो है इंस्टॉलेशन के टाइम पे इंस्टॉलेशन करने के लिए लाइनक्स को कमर्शियल लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सच एस सुजे लिनक्स, कैलडेरा, ओपन लिनक्स, रेड हैट लिनक्स प्रोवाइड ग्राफिकल इंस्टॉलेशन प्रोग्राम्स। तो बेसिकली ये जो कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं इनमें ग्राफिकल इंस्टॉलेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल होता है। बेसिकली आजकल मोस्टली सभी डिस्ट्रीब्यूशंस में ग्राफिकल इंस्टॉलेशन प्रोग्राम अवेलेबल होता है। द लाइनक्स इंस्टॉलेशन कैन बी स्टार्टेड बाय अ बूट डिस्क, बाय अ बूटेबल सीडी रोम फ्रॉम फाइल्स ऑन ए हार्ड डिस्क और अक्रॉस ए नेटवर्क कनेक्शन। तो इंस्टॉलेशन के लिए आप बूट डिस्क यूज़ कर सकते हैं, बूटेबल सीडी रोम यूज़ कर सकते हैं, बूटेबल पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, हार्ड डिस्क से आप फाइल्स की फाइल से आप हार्ड डिस्क पे अवेलेबल फाइल जैसे कि ISO फाइल से आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर नेटवर्क इंस्टॉलेशन नेटवर्क से। ड्यूरिंग द लाइनक्स इंस्टॉलेशन अ यूजर डिफाइंस द सोर्स ऑफ द लाइनक्स फाइल्स एंड द टारगेट पार्टीशन, चूजेज एन इंस्टॉलेशन टाइप एंड सॉफ्टवेयर टू बी इंस्टॉल। तो बेसिकली इंस्टॉलेशन के टाइम पे यूजर क्या करता है, वो लाइनक्स फाइल्स का सोर्स डिफाइन करता है कहाँ से उसको फाइल्स मिलेंगी, एंड देन टारगेट पार्टीशन क्या होगा, किस पार्टीशन पे इंस्टॉल करना है, किस तरीके का इंस्टॉलेशन करना है जैसे कि सर्वर या वर्कस्टेशन, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर उसमें इंक्लूड करने हैं इंस्टॉल करने हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे, ये सभी जो ऑप्शंस हैं ये सब डिसाइड किए जाते हैं। यू कैन इंस्टॉल अ बूट डुअल बूट सिस्टम वाया ए बूट मैनेजर प्रोग्राम, और आप बूट मैनेजर प्रोग्राम से आप एक डुअल बूट सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि विंडोज़ के साथ भी लाइनक्स इंस्टॉल हो सकता है या फिर किसी दूसरे ऑपरेटिंग के सिस्टम के साथ भी लाइनक्स इंस्टॉल किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।